न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मेनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मेनस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मदद के बहाने नकदी गहने उड़ा लिए गए, बुलेट सवार पर हुआ मामला दर्ज। इतवारी रीवा एक्सप्रेस से चार दिन हुई रद्द। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मदद के बहाने नकदी गहने उड़ा लिए। नागपुर में गणेशपेट के एसटी बस स्टैंड पर मदद का झांसा देकर वृद्ध के बैग से 2 लाख के गहने तथा नगदी 1 लाख रुपए उड़ा लिए गए। जवाहर नगर निवासी 71 वर्षीय गोपाल राहगड़े का बेटा बेसा की जयंती नगरी में रहता है। बेटे के घर का वास्तु पूजन होने के राहगड़े नागपुर आए थे। वह बुधवार की सुबह एसटी बस स्टैंड पर पत्नी के साथ तुमसर की बस में सवार हो रहे थे। सामने से चल रहे अज्ञात आरोपी ने राहगड़े को आपकी मदद करूं क्या, ऐसा पूछने पर भीड़ का लाड उठाकर राहगड़े के बैग से नकदी तथा गहने उड़ा लिए। गणेशपेट पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बुलेट पर सवार होकर लूट गिरा गया। नागपुर में बुलेट पर सवार होकर एक ही मैकेनिक को लूट के लिए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी समर्थक पारक भोसले तथा संकेत नितिन कताले नाइक रोड महल के निवासी है। रविंद्र वानखेड़े और प्रज्वल शबनकर ऐसी मैकेनिक है। वह लोगों के घर जाकर ऐसी ठीक करते हैं। 15 अक्टूबर को महल में बुलेट पर सवार 2 युवकों ने उनकी 5,000 रुपए मांगे। रुपए नहीं देने पर ऐसी सुधारने की किट लूट ली गई। जांच में आरोपी के लिप्त होने का पता चला। उन्होंने गिरफ्तारी कर बुलेट तथा किट बरामद कर ली। बढ़ते अगली खबर की ओर। इतवारी रीवा एक्सप्रेस से 4 दिन हुई रद्द। नागपुर में रेलवे पुल संख्या 94 में दरार आने से उसकी मरम्मत करवाई जा रही है। रीवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी के बीच चलने वाली ट्रेन को 4 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। इसमें 18 और 20 अक्टूबर को रीवा से निकलने वाली ट्रेन रीवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस और 19 व 21 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी से छूटने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रीवा एक्सप्रेस रद्द हो गई है। वक्त हो जाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए मेनस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं।